हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी YouTube की वीडियो में आई बटन लगा सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन को कैसे यूज करें जिससे हमारे व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ें। चलिए हम चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। दोस्तों हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं YouTube। जैसे YouTube सर्च करेंगे आपका YouTube जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। आपके सामने YouTube वीडियोस आपको शो हो रही हैं। आपका यहाँ पे चैनल का नाम आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे और योर चैनल पे जाएंगे और अपनी वीडियोज जो हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये आपके वीडियोज हैं। तो नेक्स्ट आपको वापस क्या करना है, अपने चैनल पे जाना है यहाँ पे और यहाँ से जाके आपको YouTube स्टूडियो पे चल जाना है। जैसे आपका YouTube स्टूडियो जो है ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका आइकन और साथ में यहाँ चैनल डैशबोर्ड ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे डैशबोर्ड है, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक, कमेंट्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कंटेंट में जाना है आपको और कंटेंट में जाकर जिस वीडियो पे आपने एक आई बटन डालना है या एंड स्क्रीन डालना है आप उसको लेंगे। चलिए हम एक वीडियो ले लेते हैं और उस पर आई बटन और एंड स्क्रीन डालते हैं। चलिए हमारे पास ये वीडियो है, हमने ये ले ली और आपके सामने यहाँ पे वीडियो का टाइटल शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। यहाँ पे इस तरफ राइट साइड आपको एक वीडियो जो है वो आपको दिखाई दे रही है, आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने जो वीडियो है तो उसके नीचे आप देखेंगे, वीडियो के नीचे यहाँ पब्लिक शो हो रहा होगा, यहाँ पे एंड स्क्रीन है और आई कार्ड है। चलिए सबसे पहले हम आई कार्ड लगाते हैं। जैसे आई कार्ड पे क्लिक करेंगे आपको जो है इस तरह का एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे लिखा होगा वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल। जो वीडियो आप लेना चाहते हो, जो अपनी प्लेलिस्ट डालना चाहते हो, आप अपना चैनल का नाम डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो डालेंगे, हम वीडियो पे जाएंगे। जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे आपको कौन सी वीडियो डालनी है वो ले लेनी है। कौन सी वीडियो लेनी है, चलिए हम फर्स्ट वाले लेते हैं। एक वीडियो आपने ये फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, आप इसको आगे भी कर सकते हो। ये आपको आई बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपने डाल दिया, आप जो है 0.000 पे आपने लगा दिया है तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। यहाँ से उठा के इसको आगे ले लेंगे और आपको जो ये वीडियो है यहाँ पे शो होगी, जो है जो आई बटन है यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए हम अपना एक और वीडियो का आई बटन लगाते हैं। चलिए यहाँ से इसको लेके चलते हैं यहाँ पे इस लाइन को और यहाँ प्लस आइकन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो वापस लेनी है, वीडियो लेंगे हम, दूसरी वीडियो ले लेते हैं। चलिए हम ये वीडियो लेते हैं। ये आपने वीडियो ले ली और आपके सामने देखो यहाँ पे ब्लू कलर का एक निशान आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ आपके पास दो वीडियो लग चुकी हैं। आप मैक्सिमम 5 वीडियोज यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए हम 2 ही लेते हैं और साथ में यहाँ पे ऊपर सेव ऑप्शन पे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आपकी वीडियो जो है सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंड स्क्रीन अगर लगानी है तो इसको एंड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एलिमेंट्स दिखाई देंगे। आप कौन सा एलिमेंट लेना चाहते हैं एज योर चॉइस, आपकी चॉइस है आप कौन सा लेंगे। दो एलिमेंट्स लेंगे यानी दो वीडियो ले सकते हैं, एक वीडियो और एक लोगो जो अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो वीडियोस ले सकते हैं और नेक्स्ट एक तरफ आप लेफ्ट साइड अगर लाइक आइकन लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अपनी वीडियो लेना चाहते हैं इस तरह से ले सकते हो। तो दो वीडियोज जो हैं वो अपोजिट राइट और लेफ्ट लेना चाहते हो ये ले सकते हैं, चाहे आप दो वीडियोज और एक लोगो जो है आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं फर्स्ट वाली लेते हैं। हमने इसको क्लिक कर दिया, आपके सामने ये दो वीडियोस दिखाई दे रही हैं जो मोस्ट पॉपुलर थी, यानी यहाँ लिखा हुआ है जो वीडियोस दी हैं वो आपके यहाँ लग गई हैं। तो आप जो मर्जी ले सकते हो। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, मोस्ट रिसेंट अपडेट जो आपने अपलोड किए हैं वो आ जाएंगे देखो ऑटोमेटिकली, तो आप जब बेस्ट फॉर द व्यूअर जो बेस्ट व्यूअर है वो आ जाएंगे यहाँ पे, आप जो मर्जी चॉइस ले सकते हो। चलिए हम नीचे वाले लास्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, जो आपने वीडियोस लगानी है वो आप यहां से क्लिक कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ये वीडियो लगाते हैं, ये हमने देखो इंस्टा वाली हमने यहां लगाई आगे, तो दूसरे में अगर आपके ऑटोमेटिकली लगी हुई है तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसी वीडियो में जाएंगे जहां पे ये निशान लिखा हुआ है वीडियो कोविड वाला, यहां क्लिक करेंगे वापस आपकी वीडियो दूसरी खुल जाएंगे। आप यहां पे कुछ और वीडियोस लगाना चाहते हो आप वहां लगा सकते हो। देखिए मैं यहां और ओवर लगा देता हूं, ये आपकी दो वीडियोस लग चुकी हैं और ये एंड स्क्रीन पे लग चुकी है। नेक्स्ट आपके पास सेव, यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। देखिए हमने सेव कर दिया। जो दोनों
आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों है लग चुके हैं, तो आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को। तो हमारी जो ये वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, और इससे क्या होगा, आपके जो व्यूज़ हैं जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, और आई बटन पे अगर वो क्लिक करता है आपका व्यू तो आपके पास नई वीडियो खुल जाएंगी और वो नई वीडियो पे चल जाएगा, आपका वॉच टाइम और आपका सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एंड स्क्रीन पे अगर दो वीडियोज़ लगी होंगी तो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो आपका जो सब्सक्राइबर होगा वो आपका जब व्यूज़ होगा तो आप उसको क्लिक करेगा और आपका वॉच टाइम या आपका व्यूज़ या आपका जो है सब्सक्राइबर बढ़ सकता है इससे। तो ये थी आपके पास एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप अपना व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।